Hello everyone, Neha this side. So today I'm telling you how to do tracing. Okay, tracing ke liye first of all we need yellow carbon. Okay, and also we need a tracing. जो भी हमें प्रिंट आउट उस वाले पेंटिंग का निकालना है जिसकी हमें ट्रेसिंग करनी है. ठीक है, सो जस्ट सी जो कार्बन पेपर होता है ना उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर इंक होती है. ठीक है, सो हमें जब भी हमें स्टार्ट करना है वी हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे जो प्रिंटेड पोर्शन है ना ये ऊपर रहेगा. ठीक है, सो सबसे पहले हमने जो भी हमने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला है उस प्रिंट आउट को हम येलो कार्बन के साथ अटैच कर देंगे. अब हम उसको किसके साथ पेस्ट करते हैं, सेंटर में हमें इसको रखना है. एंड वी विल टेक मास्किंग टेप, आप इसको पेपर टेप भी कह सकते हैं. ठीक है, दिस इज मास्किंग टेप. आप इसको लेंगे और कार्बन पेपर के साथ आप अपने जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है पेंटिंग का आप उसके साथ इसको अटैच कर दीजिएगा. चारों कॉर्नर्स अच्छे से आपको अटैच करना है, इसको टेप लगा देना अच्छे से सेंटर में. ठीक है, जिससे कि क्या होगा आपका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल आपके कार्बन के साथ चिपका रहेगा, वो इधर उधर हिलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो हिलेगा तो हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा. ठीक है, देन वी विल टेक, अगर आपको कैनवस के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप कैनवस ले सकते हैं, आप कैनवस पैड ले सकते हैं, आप MDF ले सकते हैं, आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं. किसी पर भी आपको ट्रेस करना है तो आप नीचे उसको रखेंगे. ठीक है, जो भी आपका बेस है. सेकेंडली आपका कार्बन पेपर आता है और उसके ऊपर आपकी आती है जो भी आपको प्रिंट आउट आपने निकाला है. अब हमने क्या किया था, कार्बन के ऊपर सबसे पहले हमने प्रिंटर से जो हमने प्रिंट आउट निकाला था उसको पेस्ट कर दिया. द सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, जो हमारा बेस है उसके ऊपर हमें अपना कार्बन पेपर को पेस्ट करना है. तो अब आप इसको ऐसे रखिएगा सो दैट आपका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए. ठीक है, आप बिल्कुल अलाइनमेंट देख लीजिएगा, ऊपर और नीचे से बिल्कुल सेम आना चाहिए. ठीक है, साइड्स में से भी इक्वल स्पेस आप देखेगा कि इक्वल स्पेस ही बचेगी, बिल्कुल सेंटर में आपका डिज़ाइन होना चाहिए. ठीक है, और फिर इस सेंटर पर हमने जब इसको कार्बन को रख दिया फिर हमें अब पहले हमने क्या किया था, कार्बन के साथ हमने प्रिंट आउट को पेस्ट किया था. अब हम क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ हमें जो हमारा बेस है उसके ऊपर हम टेप लगा रहे हैं. ठीक है, जिससे कि जहाँ पर भी मेरा कार्बन पेपर आ रहा है उस कार्बन पेपर के ऊपर वो मेरा कार्बन पेपर हिले नहीं. ठीक है, मैंने उसको ऐसे टेप लगा रही, देखो दोनों तरफ लगाया, एंड देन इन द टॉप पर भी मैं एक बार ऐसे लगा दूँगी इसको. मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ. ठीक है, एंड देन लाइक यहाँ से मैंने इसको लगा दिया. अब इससे क्या होगा, मेरा बिल्कुल भी कार्बन पेपर हिलेगा नहीं, मेरा ट्रेसिंग जो होगा बिल्कुल अच्छे से होगा. नीचे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बट नीचे लगाना कुछ कंपलसरी नहीं होता है. रीज़न बीइंग जब भी हम लोग ट्रेसिंग करते हैं ना तो हम लोग ट्रेसिंग को अपना कैसे देख सकते हैं, सिर्फ नीचे से अपना डिज़ाइन को उठाकर. जो ये कार्बन है ना, कार्बन को हम नीचे से उठाते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे कि सब जगह ट्रेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. सो ट्रेसिंग करने के लिए इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू यूज़ अ पेन. आप बॉल पेन ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि पेंसिल से ट्रेसिंग होती है बट पेंसिल से ना ट्रेसिंग थोड़ा सा लाइट आती है, तो आप बॉल पेन लीजिएगा, उसकी टिप अच्छी होती है. ठीक है, और जहाँ जहाँ भी आपका डिज़ाइन है उस सब डिज़ाइन को आप पेन से आप ट्रेस करना शुरू कर देंगे. ठीक है, आप ट्रेस करते रहिएगा. ट्रेस करने के बाद अब हमें चेक करना है कि वो आपकी ट्रेसिंग प्रॉपर नीचे आ रही है कि नहीं आ रही है. तो हमने देखो तीन साइड तो हमने टेप लगा दिया था कैनवस के साथ, बट एक साइड नहीं लगाया था. तो टू चेक मैं क्या करूँगी, और कहीं से इसको नहीं हिलाऊँगी, सिर्फ नीचे से मैं देखती रहूँगी कि क्या मेरी ट्रेसिंग आ रही है कि नहीं आ रही है. ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसे पूरे डिज़ाइन को मेरे को ट्रेसिंग करना है. और जब मुझे एक बार चेक करना है कि सारी अच्छे से ट्रेसिंग हो गई है कि नहीं, तो मैं एकदम से ना जो कैनवस के ऊपर मैंने लगाई है टेप्स, एकदम से मैं ये तीनों टेप्स नहीं उतारूंगी. मैं सिर्फ एक एक टेप उतारूंगी. सपोजिंगली आई जस्ट रिमूव दिस टेप. ठीक है, इस टेप को उतार कर मैं साइड से देखूंगी कि क्या मेरा पूरा डिज़ाइन जो मैंने ऊपर बनाया है, क्या मेरा पूरा डिज़ाइन नीचे यहाँ पर ट्रेस हो गया है. अगर तो हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज मैं फिर सेकंड तरफ की टेप को रिमूव करूँगी. ठीक है,
सेकेंड तरफ के टेप को रिमूव करके देन आई विल सी कि मेरा डिज़ाइन पूरा अच्छे से कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर सपोज कहीं पर रह जाता है तो मैं दोबारा से ट्रेसिंग पेपर को ऐसी एज इट इज़ में नीचे रख कर और वहाँ पर ट्रेसिंग कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या मेरा डिज़ाइन कहीं रहता या वो कम्प्लीट हो गया। सो नाउ इट इज़ कम्प्लीट, ठीक है। नो इट इज़ नॉट कम्प्लीट, जस्ट सी दिस पोर्शन इज़ लेफ्ट, ठीक है। सो वट आई विल डू बिफोर रिमूविंग आई हैव टू ट्रेस इट, ठीक है। ऐसे आप इसको प्रॉपर आप ट्रेस करेंगे और ट्रेस करने के बाद आप इसको अच्छे से चेक करने के बाद ही जो आपका लास्ट वाला है आप उसको रिमूव करेंगे। सो दिस इज़ द प्रोसीजर, दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द ट्रेसिंग, ओके।